राधे राधे गुरु जी 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 मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं कोई अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और काम भी करता हूँ तो उसमें अजीब सा एक होता है ना चिड़चिड़ाहट सा, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है बताएं हम। बिल्कुल गुरु जी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा तो ये बताओ आपको गुस्सा किस बात पे आती है? कोई सी छोटी छोटी बात पे गुस्से आ जाती है। शादी हो गई? नहीं गुरु जी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई? पता नहीं गुरु जी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। शादी हो जाए शायद गुस्सा ठंडा हो जाए। सुनो जी, कुछ काम धाम करते हो? हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। कितना कमाते हो महीने का? लगभग 60-70 हजार तो कमा लेता हूँ। फिर किस बात का गुस्सा है? ऐसे अच्छा नॉर्मली बातों से गुस्सा आ जाती है और चिड़चिड़ाहट से कभी जिंदगी में आ जाती है और उसकी समझ नहीं आता मुझे। देखो और जिसके साथ मैं अच्छा करूं वही मेरे साथ बुरा कर देता है। सुनो, इसलिए गुस्सा दो कारणों से आता है, वो याद रखो दो कारण। सुन रहे हो? हाँ जी। गुस्सा आने के दो कारण है। पहला कारण ये है कि आप अभिमानी हैं जी। यदि आप अभिमानी हैं, एटीट्यूड है आपके अंदर, तो आपको गुस्सा आएगा। दूसरा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जैसे आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई तो फिर आप चिड़चिड़ापन आएगा, वो गुस्सा आएगा। यदि आपकी इच्छाएं आप खत्म कर दें या कम कर दें और अपना एटीट्यूड समाप्त कर दें तो आप गुस्से नाम की बीमारी से बिल्कुल बच जाएंगे। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि गुस्सा जब आए तो एक काम करोगे? जब बताइए। मंत्र दे रहा हूँ जी। एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब गुस्सा आए तो आपको बोलना नहीं है। कर पाओगे? कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। लो, अभी तो आपने बोला कि महाराज जी आप गुरु हैं बताएंगे, तो हम बता रहे हैं तो आपको तो करना पड़ेगा। अब हम बता दिए उपाय आपको। उंगली रखना है मुंह में, मतलब मुंह बंद। गुस्सा जब आएगा तो क्या करोगे? चुप रहना। यदि आप एक घंटे चुप रह गए तो आप गुस्से पे आप हावी हो जाएंगे, आप पर गुस्सा कभी हावी नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। गुस्सा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुस्सा हमारा दुश्मन है, वो आता है ना तो रिश्ते बिगाड़ता है, इसलिए उसको आने से पहले ही समाप्त कर दो। ठीक है गुरु, चुप रहे। राधे राधे। ठीक है।